राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधुपाय संशोधन विधेयक 2023 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे से पहले इस विधेयक पर लगभग 19 पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और इसके अंदर अवधि जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी के स्थान पर अभिव्यक्ति जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की जा सकेगी और इसके अंदर जो आर्थिक दंड की जो सीमा है उसको बढ़ाया, निश्चित रूप से एक अच्छा हम उपाय ही कह सकते हैं अभी, क्योंकि इसके रिजल्ट तो आने वाले दिनों में आएंगे। माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैं नया पहली बार चुन के आने वाला सदस्य हूँ और सुबह से अधिकतर विद्वान और अनुभवी माननीय विधायकों से विचार मैंने सुना, लेकिन मैं सुने सुबह से ही मेरे सामने जो विचार गांधी जी के मैं बार बार पढ़ रहा था आज कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाए और यदि प्रवेश किया जाए तो वहाँ स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहाँ न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। और चूंकि ये शायद इस सत्र, ये जो सत्र है इसके बाद कोई विधानसभा का सत्र मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो कम से कम इस पाप का भागी हम लोग नहीं बने। हम लोग ईमानदारी से प्रयास करें कि राजस्थान का जो युवा, जो बेरोजगार और उसके परिजन जो सरकार से टकटकी लगाए एक न्याय की उम्मीद के लिए बैठे हैं, निश्चित रूप से उनको ये उम्मीद है कि राजस्थान के अंदर जो भर्ती प्रक्रियाओं में युवाओं के हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बेरोड से आने वाले मेरे साथी विधायक जिनको मैं विश्वविद्यालय से साथ पढ़ने का मैं मौका भी मिला, इन्होंने सारी बातें जरूर कही कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति से चांद पे भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो विधायकों को थोड़ा इतना तो मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति और ज़्यादा करने की थी, लेकिन आपने जो 4 साल मुख्यमंत्री जी को जो परेशान किया उसमें शायद कहीं वो अपनी इच्छा शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। मैं हमारे चोमू से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने माफियाओं के बारे में भी जिक्र किया, पेपर माफिया, लेकिन हमें ईमानदारी से इस चीज का गहराई से चिंतन और इस बात पे हम लोग आगे कैसे बढ़ें इसके ऊपर पूरा मनन करने की आवश्यकता है। मुझे यहाँ ये कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है कि आज माफिया सब जहाँ भी लगा, आज इस सदन के अंदर सामने आधिकारिक दीर्घा है जिसमें राजस्थान के बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं और उनके सामने ये जो है इन कुर्सियों पे प्रदेश का कानून बनाने वाले हम सब लोग बैठे हैं। यदि हम लोग ईमानदारी से प्रयास करें तो मेरे हिसाब से इस प्रदेश से माफिया ना शब्द का उपयोगी ये हो जाएगा कि माफिया शब्द इस प्रदेश से गायब हो सकता है। मुझे बड़ा अचंभा हुआ परसों जब 19 तारीख को मैं हालांकि इस सदन में नहीं था, कहीं आंदोलन के अंदर बिजी था, और मैं एक माननीय सभापति महोदय कई बार चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन उन पर मनन नहीं करते या उस टाइम वो समझ में नहीं आती जब तक उसका उदाहरण कहीं पेश नहीं होता। किताबों में पढ़ा करते थे कि सो सो चूहे खाके बिल्ली अजगू चली, वो मुझे आज तक ही समझ में नहीं आया, लेकिन परसों जो संगठित अपराधों पे चर्चाएं हो रही थी विधेयक पे और उसके अंदर भाई तू से आने वाले माननीय विधायक ने जिस तरह माफियाओं के बारे में उनको खत्म करने की बातें जो कही, मुझे तुरंत आभास हो गया कहीं ना कहीं चुनाव जल्दी आने वाला है, क्योंकि हम सब की सेह के बिना यदि हम ईमानदारी से आज बात करें, यदि हम बजरी माफिया की बात करें, हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि आज सीएम साहब के सलाहकार
सिरोही से आने वाले माननीय विधायक और हमारे प्रतिपक्ष के नेता, इन्होंने एक सुर में बात कही तो भी कहीं ना कहीं लगा कि चुनाव की गर्मी भी जल्दी नजदीक आ रही। मैंने एक चित्र देखा माननीय सभापति महोदय, जिसके अंदर राजस्थान में विशेषकर रेगिस्तानी इलाके के अंदर एक मोर जब अपने पंखों को फैलाए बैठा था और इसके नीचे सर्प जिनकी बहुत गहरी एक दूसरे से दुश्मनी होते हुए भी वो सर्प उस मोर की छाया के अंदर बैठा था और नीचे लिख रखा था कि रेगिस्तान की इस गर्मी ने इन दोनों की दुश्मनी को पिघला दिया। ये जरूर मुझे लग रहा है लोकतंत्र के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव की गर्मी जो है इसके अंदर हम सब हो सकता है कि एक दूसरे की बातों से सहमत हो, लेकिन आज माननीय सभापति महोदय ऐसी आवश्यकता क्या रही। हम पढ़ते हैं अकबर से लेके और यदि इतिहास की बातें करें तो ये कहते थे अकबर तो बीरबल से पूछे बगैर कुछ करते नहीं थे, तो ऐसा क्या कारण रहा क्या सीएम साहब के सलाहकार को सदन से और मंत्री जी से ये आग्रह करना पड़ रहा है कि ऐसा करना चाहिए, तो फिर सलाहकार किस बात के। एक सलाहकार की पत्नी जिनका नाम आरपीएससी के अंदर आना आ रहा है कि केशावत गोपाल केशावत की जांच आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं वो भी लपेटे में आए। आज माफियाओं की भी बात करें, डिलीट कर बजरी माफिया की बात करें, माने मुझे पता है माननीय सभापति महोदय मैं इसके अंदर थोड़ा बोलूंगा, आप जल्दी मुझे टोकोगे तो मैं ज्यादा इसके अंदर गहराई से नहीं जाना चाहता। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं, धारीवाल जी बैठे हैं जो सबसे वरिष्ठ मंत्री और सरकार में मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में सारा दारोमदार ये अपने कंधों पर लिए बैठे हैं इस उम्र में भी, और ये डांट टपट के भी कई बार काम चला लेते हैं। मैं तो इतना निवेदन आपसे करूंगा, ये अंतिम सत्र है और इस सत्र के अंदर 8 करोड़ जनता के अंदर को ऐसा मैसेज आप जरूर दें कि ये जो बिल आप लेके आए हैं आज, ये भर्ती के जो माफिया जो पेपर आउट कर रहे हैं इसके ऊपर तो फिर भी हमारी नज़र है, लेकिन आज प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो हम सेंटर दे रहे हैं, कितनी विडंबना की बात है कि परीक्षा केंद्र पे शिक्षक की ड्यूटी एडीएम और एसडीएम लगाते हैं और एक दिन पहले ये पता चल जाता है कि कौन सी स्कूल में कौन सा टीचर लगेगा, कौन सा उसके अंदर इन्विजिलेटर लगेगा, कौन सा उसके ऊपर उनकी मॉनिटरिंग करने वाले लगेंगे। तो मैं इतना निवेदन आपसे करूंगा कि इस मामले में हमें इन माफियाओं के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल और ये दूसरे जो माफिया चला रहे हैं इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं हमें नकेल की आवश्यकता है। और एक एसीबी की भी बात भी कही, एसीबी जांच करे, हमें आज 75 वर्ष बाद भी हम एसीबी के लिए अलग से कैडर नहीं बना पाए। आज देख रहे हैं ये कहते हुए कोई मुझे शर्म नहीं आ रही है कि आज बड़े आईएएस और आईपीएस जो अपनी मेहनत के दम पे बड़े अफसर बनते हैं लेकिन आज अच्छी पोस्टिंग के लिए बड़े नेताओं के घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। हम लोग कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई पॉलिसी नहीं बना पाए। माननीय मंत्री महोदय, हम सब का एक ही दायित्व है कि हम सब मिलके और इसके अंदर कोई ऐसे ठोस उपाय करें। इसके अंदर बहुत अच्छी एक स्टडी की खबर इसके अंदर छपी है कि हमारे राजस्थान के अंदर यदि कोई आरपीएससी की बात हम करें नियुक्ति की, तो इसके अंदर सिर्फ ये लिखा है सरकार चाहे जिसे बिना विज्ञापन जारी किए, बिना इंटरव्यू प्रक्रिया अपनाए या बिना किसी विशेष शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यताओं के केवल 3 आधार कि एक तो भारत का नागरिक हो, स्नातक हो और मनोरोगी या जेल में सजा याफ्ता कैदी नहीं हो पर चेयरमैन या सदस्य नियुक्त कर सकती है। जबकि यूपीएससी के अंदर प्रधानमंत्री जी, माननीय विपक्ष के नेता और 3 जनों की जो कमेटी बनी हुई है उनको वीटो पावर भी दिया हुआ है। हमारे यहाँ सूचना आयुक्त के अलावा ऐसी कोई भी संवैधानिक संस्थाओं के अंदर ऐसे हम लोग नियम ही नहीं बना पाए। और सूचना माननीय शॉर्ट करें प्लीज सर, एक मिनट बस। सूचना आयुक्त की नियुक्ति की यदि हम बात करें उसके अंदर भी कहीं, हालांकि इसके अंदर नेता प्रतिपक्ष को सदस्य जरूर रखा गया है लेकिन उनकी असहमति को भी दरकिनार कर सकते हैं। ये जो एक लिस्ट आई है कि कांग्रेस ने 22 ब्यूरोक्रेट्स को दी आयोगों में जिम्मेदारी, अभी हम आरपीएससी को सुधारने की बात करें, संजय स्त्रोत्री कहाँ से आए? ये सही बात हम सबको माननी पड़ेगी कि जब सरकार का असंतुलन जब था तब किन लोगों ने इंटेलिजेंसी में रह के मदद की, किन लोगों ने सरकार बचाने में भूमिका निभाई, उन लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेडल देके और आरपीएससी और अन्य बोर्डों में जो बनाए उसकी सजा युवाओं को भुगतनी पड़ेगी। पिछले
जो 22 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को माननीय सभापति महोदय, आदमी जब रिटायर होता है उसके बाद उसकी ड्यूटी दूसरे समाज, उनकी जो ऊर्जा है बची हुई उसको कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर काम ले सकते हैं। कंक्लूड करें, तो मैं तो इतना निवेदन आप सबसे करूंगा कि इस मामले को एक बार और अच्छे विचार, यदि हम इसको जनमत जानने के लिए यदि हम परिचारित करेंगे तो बहुत सारे विचार इसके अंदर आ सकते हैं। मैं एक बार पुनः इस अधिनियम का जो ये जो संशोधन विधेयक 2023 को है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा का, इसको 6 माह के लिए पुनः प्रचारित करने के लिए आपसे मैं निवेदन करूंगा। धन्यवाद माननीय श्री बलवान पुनी।